हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने स्विस ब्यूटी के इस आई शेडो पैलेट का रिव्यू लेके आई हूं। आई शेडो पैलेट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था और ये आई शेडो पैलेट मैंने कुछ दिनों पहले ही परचेस किया है और मैं इसे ट्राई करके देखना चाहती थी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि कितना पिगमेंटेड है। और इसका MRP है 199 रुपीज। और मैंने इसे अपने आईज पे अप्लाई किया और यूज करके देखा तो ये काफी पिगमेंटेड है। आप देख सकते हैं ये जो सारे कलर्स है वो काफी खूबसूरत कलर्स है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके लिए ये आई शेडो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपने आई मेकअप में तो ये 199 रुपीज के अराउंड का जो आई शेडो पैलेट है बिल्कुल परफेक्ट है फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने आई बेस को सेट कर लिया है, आईब्रोज को फिल कर लिया है, कॉर्नर ऑफ आईज पे एक सेलो टेप चिपका लिया है ताकि जो भी एजेस आए वो शार्प एजेस आए। ये डार्क कलर लूंगी और उसकी सहायता से आई शेप क्रिएट करूंगी और धीरे धीरे इसको कॉर्नर ऑफ आई से लेके एक्सटेंड करते हुए थोड़ा आगे लेके जाऊंगी। उसके बाद मैं ये बर्गंडी कलर लूंगी और उसके बाद के एरिया पे मैं अप्लाई करूंगी और इसे एक्सटेंड करते हुए मिड ऑफ द आईलिड तक लेके जाऊंगी। फिर मैं इस गोल्डन कलर को लूंगी और पूरे फ्रंट आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी और इन दोनों के बीच के हार्श लाइन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी जो हार्शनेस है वो विजिबल ना हो। और फिर मैं वेट एंड वाइल्ड के इस हाइलाइटर की सहायता से कॉर्नर ऑफ आईज और ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी। इसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन के पास के लिए ये डार्क कलर लूंगी और इस बर्गंडी कलर की सहायता से दोनों कलर को मर्ज करूंगी लोअर वाटर लाइन पे। अपने आईज पे प्लम का काजल अप्लाई करूंगी लोअर और अपर वाटर लाइन पे। उसके बाद मैं ये एलन ब्लू के आईलाइनर की सहायता से विंग आईलाइनर क्रिएट करूंगी। फिर मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूंगी और मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा अप्लाई करूंगी अपने लोअर और अपर आईलैशेस पे। उसके बाद मैं ऑफ कैमरा अपने आईलैशेस अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा ये आई मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है। और अगर आपको ये मेरा आई मेकअप पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।